सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज दशहरे का विजय दशमी का पर्व है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व के उपलक्ष्य में बहुत सारे किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई प्रारंभ कर दी है। किसान भाइयों, आप 28 से 30 क्विंटल का एवरेज उत्पादन आप अपने खेत में कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण नुकता जो है, आपका खेत पूरी तरह से लेवल्ड होना चाहिए। अगर खेत आपका लेजर लैंड लेवलर के माध्यम से लेवल्ड है तो उसमें प्रथम और अंतिम सिंचाई बिल्कुल हल्की होती है और उससे उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। जिस खेत में जो खेत ऊपर नीचे हैं वहाँ पर गेहूं मर जाता है और उत्पादन पूरा नहीं ले पाते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई करते समय आपने हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज को प्राथमिकता देनी है। सुपर सीडर से गेहूं का जो अंकुरण है वो इफेक्ट होता है, अंकुरण पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे किसान भाइयों को उत्पादन कम प्राप्त होता है। गेहूं की बिजाई करते समय आपने बीज का उपचार जरूर करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं जो हमारे को उसी के साथ साथ फफूंदनाशक के साथ साथ आपने एजेक्टोबैक्टर के साथ भी गेहूं का बीज उपचार जरूर करना है। साथ में वैरायटियों का चयन करते समय आपने नई जो वैरायटियां आई हैं DBW 327, 327, 183, 222, PBW 765, PBW 869, PBW 826 का चयन जरूर करें, ताकि किसान भाई 28 से 30 क्विंटल का एवरेज उत्पादन अपने खेत में ले सकें। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आजकल जो देखा गया है, किसान भाई पूरे खेते में एक भी खेत एकड़ में डोल नहीं डालते हैं। अपने एक एकड़ में 8 कनाल का एकड़ होता है, उसमें आपने 2 कनाल का क्यारा जरूर बनाना है। 4 क्यारे आप बनाइए, आप उसमें हल्की नाली या खाल के माध्यम से ही सिंचाई करें। हल्की सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रथम सिंचाई आपकी हल्की होती है तो आपका गेहूं फिर पीला नहीं पड़ता है, साल भर वह उठाव करता है, ट्रिलरिंग करता है और स्वस्थ और निरोग होता है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ जैसे ही आप प्रथम सिंचाई देते हैं, उसके बाद आपने यूरिया डालने के बाद 55 दिन के पास आपने यूरिया कंप्लीट करना है और माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे जरूर देनी है, 19-19-19 या 28-28-0 प्लस चिलेटेड जिंक आधा किलो की प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी में डिल्यूट करके आपने स्प्रे देना है। इस स्प्रे के 10 दिन बाद आपने दूसरा स्प्रे माइक्रोन्यूट्रेंट का यूज़ करना है, जिसमें आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स ले सकते हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इसका 1 किलो का पैकेट आता है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स उपलब्ध हैं। उसके साथ आपने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करके अपने स्प्रे करना है। इससे गेहूँ में बहुत ज़बरदस्त बढ़ावार होती है, बहुत बढ़िया टिलरिंग होती है और ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो शेयर कर रहे हैं, हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले साल हमने 28 क्विंटल का एवरेज उत्पादन लिया था और कुछ गेहूं हमारा गिर भी गया था, वहाँ भी हमने 25.5 क्विंटल का उत्पादन लिया है। जब बालियाँ निकल रही हों तभी स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने बरौन और बरौन 20% जो पाउडर फॉर्म में आता है और लिक्विड में भी आता है, किसी का भी चयन कर सकते हैं। बरौन के साथ आपने 052-34 का स्प्रे जरूर करना है। जो बरौन है और 052-34 है वो पौधे में पड़े हुए जो तत्व हैं उन सभी को एकत्रित करके बालियों तक पहुंचाता है, जिससे बालियों में विकास हो रहे दाना मोटा और निरोग बनता है। और इन स्प्रे के द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधा स्वस्थ और निरोग बनता है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। आप देख सकते हैं हमारे खेत का ये गेहूँ है कितनी मोटी और बाली कितनी लंबी और मोटी है, जहाँ पर जो बीज है जो अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है। किसान भाइयों, ये सभी महत्वपूर्ण, और अगर इस अवस्था में जब आपकी पीली हो गई है गेहूँ तो उसमें आपने चेपे का जो तेले का प्रकोप आ जाता है, वहाँ आपने एक्टारा 120 ग्राम और टिल्ट प्रोपिकेनाजोल या टेबुकेनाजोल फोलिकोर का स्प्रे आप दे सकते हैं येलो रस्ट से बचाने के लिए। और गर्मी में अगर गर्मी बढ़ती है तब भी पौधा आपका हरा भरा रहेगा और धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आएगा, जिससे जो दाना है वो सिकुड़ेगा नहीं और उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ये आपका अंतिम स्प्रे होगा और ये सारे स्प्रे जो से हैं ये आपको 28 से 30 क्विंटल तक का उत्पादन कराने देने में सक्षम होंगे। किसान भाइयों, चुनाव करते समय कुछ भाई गलीलियो वे का भी स्प्रे करते हैं। टिल्ट हमने सबसे
सस्ता मूली कुल बनाया है, 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, फोली की ओर आपने 200 ml कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो फफूंद नाशक आते हैं, ग्लीलियो आता है, आप उसमें टीवो का स्प्रे कर सकते हैं, एमिस्टा टॉप कर सकते हैं। ये तमाम मैंने ब्रांड आपके साथ साझा करे हैं। स्टूडियो का भी आप स्प्रे कर सकते हैं जो पौधे को निरोग और स्वस्थ रखेगा, उसमें हरापन बना रहेगा। एजिक्स्ट्रोस्ट्रोबिन जो 23% मिराडोर आता है, उसका रिजल्ट बहुत लाजवाब होता है, वो पौधे को अंतिम क्षण तक चाहे गर्मी पड़ भी जाए तब भी उसको हरा रखेगा। तो इस तरह का फंगिसाइड देके आप गर्मी में अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। गेहूं अगर गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है, तो उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है, जो 3 से 5 क्विंटल तक का किसान को नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों, ये सभी महत्वपूर्ण जो तत्व मैंने बताए हैं, ये आपको अधिक उत्पादन देने में सक्षम हो गए, चाहे जवान चाहे किसान।